हेलो गाइस, वेलकम बैक शिखा डॉट एस सी एस। एम सी क्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हिस्ट्री का पार्ट 15 देखेंगे। अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं वो मिडिवल हिस्ट्री में जो क्वेश्चन रिलेटेड हैं वो देख रहे हैं। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसे सुमेलित करना है किससे, कौन सा संबंधित है। तो गढ़ की बात करें तो गढ़ जो होते थे वो 84 गांवों का समूह था, ठीक है। तो गढ़ का संबंध आप देखिए तो इससे 2 से कर सकते हैं। उसके बाद टाडा की बात करें तो टाडा का संबंध आपका कारवा से था, ओके। उसके बाद श्रमिक कुल, हाँ श्रमिक का संबंध पाइका से था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कुल कुल का संबंध किससे था, कुल का संबंध जो था वो आपका खेल से था, ओके। खेल से संबंध था। शिव सिंह अहोम से संबंधित हैं और दुर्गावती का संबंध जो है गणकटंगा से था। तो देखते हैं ये किस में से मैच कर रहे हैं। तो पहले का है वो सेकंड है, तो पहले का आप देखिए सेकंड, तो ये दोनों में से कोई एक होगा, यानी कि या तो ये होगा या ये होगा। अब देखते हैं जो सेकंड वाला है, टाडा का संबंध 3 से है, तो टाडा का आप देख रहे हो कि 3 से है, तो यानी कि ऑप्शन इसका ए से जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि अहोम द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कीर्ति है, यानी अहोमों ने जो कीर्ति लिखी थी वो कौन सी है, तो वो उसका नाम जो है बुरंजी है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, किस में इस बात का उल्लेख किया गया है कि गढ़ कटंगा में 7000 गांव थे, 70000 गांव थे। तो 70000 गांव का उल्लेख जो है कहाँ मिलता है, तो ये अकबरनामा में मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, अकबरनामा 3 पार्ट में लिखा गया है, जिसका तीसरा पार्ट जो है वो आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। देन उसके बाद है चौथा क्वेश्चन है, बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने, यहाँ पे पता करना है क्या भरना है, और इनको भूमि अनुदान दिए। तो आपको पता है कि जो बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने किनको अनुदान दिए थे, तो एक तो मंदिर बनवाने पे था, दूसरा दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दिया जाता था। तो यहाँ पर क्या भरेंगे आपका, देखिए डी ऑप्शन है, मंदिर बनवाने और ब्राह्मण को भूमि अनुदान दिए गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य बताइए। तो इनमें से असत्य कौन सा है आपको बताना है। तो पहला है, जनजातीय समाजों के पास समृद्ध वाचक परंपराएं थीं, ऑब्वियसली उनके पास परंपराएं जो थी वो समृद्ध वाचक थी। दूसरा है, उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं था। तो कोई जनजातीय समुदाय जो है उस टाइम पर नहीं था, तो इसमें असत्य बताना है, यानी कि उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं थी, वहाँ पे जनजातीय समुदाय थी, तो ये ध्यान रखिएगा। गोंड राज्य में अनेक नगरों ने मिलकर 84 गोंड ने नहीं बनाया था। भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे, तो भील उत्तर पूर्वी भाग में तो नहीं रहते थे। तो आप देख रहे हैं कि 3 यहाँ पर असत्य हैं, यानी 2, 3 और 4, यानी इसका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा। केवल 2, 3 और 4 असत्य हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए असत्य पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन देखते हैं, खानाबदोश पशुचारक और एक जगह बसे हुए खेतिहारों के बीच किस तरह विनिमय होता था। यानी खानाबदोश जो घूम घूम के अपना काम चलाते थे, पशुओं के चक्कर में घूमते रहते थे, वो खाने की खोज में घूमते रहते थे, तो उनको खानाबदोश कहा जाता है। तो उनमें और एक जगह जो बसे हुए खेतिहार होते थे उनके बीच में चीज़ों का आदान प्रदान किस तरीके से होता था, उसको पूछा जा रहा है। तो आप जान रहे हो कि जो खानाबदोश होते थे उनका दूध से मेन संबंध था और दूध उत्पादन से संबंध होता था, तो कहीं ना कहीं ये दूध उत्पादन से संबंधित चीज़ें ही बेचते थे। और खेतिहर की बात करें तो खेती करते थे, यानी अनाज हो गया, कपड़ा हो गया, क्योंकि कपास की बात हो गई, या फिर धातु संबंधी चीज़ें हो गई। तो विनिमय जो किया करते थे ये इनको दूध से बनी चीज़ें दिया करते थे, या पशु वगैरह दिया करते थे, पशु से संबंधित चारा दिया करते थे, और ये उनको क्या करते थे, अनाज कपड़ा और धातु इन सब चीज़ों से बनी हुई चीज़ें दिया करते थे, ओके। अब इनमें देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन है, खानाबदोश दुर्गम स्थानों, जंगल, पहाड़, रेगिस्तान में रहते थे, जबकि खेतिहर खेती वाले स्थानों पर रहते थे। तो ये ऑप्शन तो सही है, बट इनका संबंध इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो इस ये कहीं ना कहीं रॉन्ग होगा। खानाबदोश पशुचारक और एक जगह बसे हुए खेतिहरों के बीच एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु का विनिमय होता था, होता तो था, ये भी एक सही है। तीसरा है, खानाबदोश पशुचारक का जीवन पशुओं, पशुओं के उत्पाद व दुग्ध पर निर्भर था, जबकि खेतिहरों का जीवन अनाज कपड़ा आदि पर निर्भर था, ये तो था, बट उन्होंने पूछा है विनिमय किस तरीके का होता था, तो ये चीज़ें तो इसमें नहीं कही जाएंगी। खानाबदोश पशुचारक खेतिहरों से अनाज कपड़ा आदि लेते थे, जिसके बदले खेतिहरों को दूध घी आदि दिया करते थे। तो ये हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये
यही होता है। तो अब अगर इन दोनों में आप देखें तो इसमें पूरा का पूरा दे भी रहे हैं कि कैसे किस चीज़ का विनिमय होता था, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। ओके, सेवन क्वेश्चन देखते हैं। अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था? तो अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था, अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था, मतलब आप जानते हो कि वहाँ पे बेगारी की जाती थी। नेक्स्ट है, अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। तो जो कुल होते थे, अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में जो मेल किया था वो कुल का संबंध खेल से था, खेल था। एक खेल के नियंत्रण में कई गाँव होते थे, तो ये वाला भी सही है। नेक्स्ट है, किसानों को अपने गाँव समुदाय से जमीन दी जाती थी जिसे समुदाय के बगैर राजा भी वापस नहीं ले सकता था, तो ये भी सही है। यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी सेवन का जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एट क्वेश्चन देखते हैं। एट क्वेश्चन है, वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए? तो वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए? सो आप देखिए, पहला क्या है कि वर्गों के भीतर छोटे छोटी जातियाँ उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आई थी, उस टाइम पे आई थी। नेक्स्ट है, दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया, ये भी सही है। ब्राह्मणों द्वारा शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्रियों को जाति के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बन गई, ये भी सही है। यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं, डी ऑप्शन करेक्ट होगा एट क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, नाइन्थ क्वेश्चन, बंजारे अर्थव्यवस्था के लिए कैसे महत्वपूर्ण थे? तो बंजारे अर्थव्यवस्था के लिए कैसे महत्वपूर्ण थे? संतुलित काल में बंजारे नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई किया करते थे। बंजारे विभिन्न इलाकों में अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों को बेचते थे। तो आप देखो, ये दोनों ही बातें सही हैं। बंजारे उन्हें ही कहा जाता था जो घूम घूम के इधर उधर रहते थे, अपना जीवन यापन करते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे और बंजारे जो थे वो किसी भी सेना के लिए 1,00,000 बैलों से अनाज ढोते थे। तो इसके भी तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि उक्त सभी सही हैं। नाइन्थ का डी ऑप्शन करेक्ट है। 10 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला? मतलब कि एक राज्य के रूप में संगठित होकर जो जनजातीय समाज था वो उसमें बदलाव कैसे आए, तो वो देखते हैं। होण, चंदेल, चालुक्य और दूसरी वंश परंपराओं में से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। इसमें इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से वो मतलब युद्ध करते हैं और फिर उसी पे राज करने लगते हैं। जीतने के बाद धीरे धीरे इन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषता कृषि वाले क्षेत्रों में। तो ये चीज़ें सही हैं। दूसरा है, शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थ से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि इन्होंने, देखिए, लोहार, सोनार, बढ़ई, इन सब चीज़ों, इन सबको जाति की मान्यता दे दी थी, तो इसी का वो हिस्सा बन गई। लेकिन केवल प्रमुख जनजातियाँ परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो सकें। तो जो प्रमुख जनजातियाँ थी वही केवल शामिल हो पाई और दूसरी नहीं हो पाई। तो ये दोनों ही यहाँ पे सही हैं, यानी कि इसका सी ऑप्शन, उक्त दोनों सही है। तो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।